सच्चा प्यार। करिश्मा और करीना बहुत ही अच्छी दोस्त थी। अभी दोनों अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं। एक दिन की बात है, दोनों कॉलेज से आ रहे थी, तभी उनको एक बहुत ही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। दोनों ने सोचा, चलो उनके पास जाकर कुछ पूछते हैं। फिर क्या था, वो दोनों उस बूढ़े आदमी के पास जाकर बैठ गए और बोला, बाबा आप कैसे हो? उस बूढ़े आदमी ने बोला, बेटा मैं तो सही हूँ, आप लोग कैसे हो? दोनों ने एक साथ बोला, हम भी सही हैं। थोड़ी देर बाद दोनों ने कुछ बोला नहीं, लेकिन अगले ही पल करिश्मा ने पूछा, बाबा सच्चा प्यार सबको नसीब नहीं होता। इस बात में कितना हकीकत है। करिश्मा की बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी मुस्कराया और बोला, आपको कभी प्यार हुआ है? करिश्मा ने बोला, नहीं अभी तक तो नहीं हुआ है। फिर उस बूढ़े आदमी ने बोला, यहाँ पास में एक बहुत बड़ा फूलों का बगीचा है, आप दोनों लोग जाओ, जो फूल सबसे सुंदर लगे आप उसको तोड़कर लेकर आओ। फिर क्या था, दोनों दोस्तों ने बाबा की बात मानकर फूलों के बगीचा में जाने का मन बना लिया। कुछ टाइम और बीता, जब दोनों फूल के बगीचे में पहुंच गई तो बहुत सारे फूल थे। दोनों करीब एक घंटा तक फूल के बगीचे में सबसे सुंदर फूल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन दोनों को कुछ समझ में नहीं आया। कुछ देर बाद करिश्मा और करीना को एक फूल बहुत पसंद आया, लेकिन दोनों ने सोचा कुछ टाइम बाद इसको देखेंगे, थोड़ा और टाइम कुछ और फूल देख लूँ, हो सकता है इससे भी ज़्यादा सुंदर फूल मिल जाए। दोनों आगे बढ़ गए, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद दोनों ने सोचा, चलो उसी फूल को तोड़कर बाबा के पास चलते हैं। लेकिन जब दोनों वापस आए तो देखा कि वो फूल कोई और तोड़ लिया था। दोनों दोस्त बहुत ही निराश होकर उस बूढ़े आदमी के पास गई और बोला, बाबा हमको बहुत लंबे टाइम के बाद एक फूल पसंद आया था, लेकिन उसको कोई और ही तोड़ के लेके गया। उनकी बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी हंसने लगा और बोला, बेटा यही प्यार का हकीकत है, जो सामने होता है उसकी कदर नहीं होती, और जब हम वापस आते हैं तो वो भी नहीं मिलता है। इसीलिए सच्चा प्यार बहुत लोगों को नसीब नहीं होता। दोस्तों, इस दिल छू लेने वाली कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलता है कि जो पास है उसकी कदर करना सीखो। आशा करता हूँ कि मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी आप लोगों को। अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।